हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम जानेंगे एकादशी व्रत की पारणा, युग्नी एकादशी व्रत की पारणा। तो हर माह में दो एकादशी व्रत होते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। आषाढ़ मास में दो एकादशी व्रत है, पहला युग्नी एकादशी, दूसरा देवशयनी एकादशी। युग्नी एकादशी व्रत जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में आज 5 तारीख को है। युग्नी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, बेसन के लड्डू, गुड़, चना का भोग, अक्षत, धूप, दीप, पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। अब योगनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई दिन सोमवार को है और कृष्ण पक्ष की एकादशी 4 जुलाई को शाम को 7:55 पर लगी है, जो 5 जुलाई दिन सोमवार को 10:30 तक रहेगी। अब हम जानेंगे योगनी एकादशी व्रत का पारण कब है। तो योगनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सुबह में किया जाता है और योगनी एकादशी व्रत का पारण 6 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 के मध्य कर लेना चाहिए और इसे हरिवासर के दौरान ही हमें जो पारणा है वो कर लेनी चाहिए। और किस चीज़ से करनी चाहिए, तो आप चाहें तो एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम द्वादशी व्रत का पारण करते हैं तो जिस भी चीज़ का हम सेवन करते हैं उसमें घी का प्रयोग अवश्य करें। और घी का प्रयोग करने के साथ आप उस दिन चावल से भी कर सकते हैं, कोई भी सात्विक चीज़ बनाकर खा सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप पारणा करें तब भगवान विष्णु को भोग लगाकर या फिर आप भोग लगाकर ही पारणा कर सकते हैं। और किसी ब्राह्मण को दान देकर कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। चाहे तो आप बोलते हैं, जिसे सीधा बोलते हैं, तो मंदिर में सीधा देके आ सकते हैं, जिसमें एक जने का एक वक्त का समय का भोजन बन सके इतना सीधा दिया जाता है, जिसमें कि आटा, दाल, चावल इत्यादि आप कोई भी वस्तुएँ जैसे सब्जी से लेकर प्रत्येक वस्तु आप दे सकते हैं किसी भी मंदिर में जाकर, या फिर गाय को चारा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी कन्या को एक बिस्किट का पैकेट देकर भी इसकी व्रत की पारणा कर सकते हैं, क्योंकि जो कन्या का दान होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्यों बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि एकादशी व्रत की पारणा किस चीज़ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।